नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हमारी जो वीडियो श्रृंखला है मुख्य द्वार और क्या है उसका फल और क्या करे उपाय, ये वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 31 नंबर का जो ये पद है जिसका नाम है अदिति, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पे हम देखें अदिति जो है वो नॉर्थ ईस्ट से तीसरा पद है और नॉर्थ की ओर है। सबसे पहले हम ये जाने कि अदिति जो है उसका जो अर्थ शास्त्र में दिया गया है वो क्या है। तो अदिति जो है उसका अर्थ शास्त्र में बताया गया है लक्ष्मी, और इसका जो द्वारफल शास्त्र में कहा गया है वो कहा गया है स्त्रियों में दोष पाना। यानी कि अगर यहाँ पे मुख्य द्वार है 31 पद नंबर में, तो यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनमें जो स्त्रियाँ हैं उनमें कोई ना कोई दोष पाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम पाया जाएगा, कोई प्रश्न उनको रहेगा। तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयत्न करें कि देखिए यहाँ पे हम सब जानते हैं कि अदिति जो है वो देव माता है, देव की माता है। कश्यप ऋषि और अदिति में से ही तमाम देव देव जो है वो उत्पन्न हुए हैं। कश्यप ऋषि हमेशा समाधि मग्न रहते हैं और अदिति जो है वो अकेले ही पर्ण कुटीर की साफ सफाई करते हैं और ऋषि जी की सेवा करते हैं। ऋषि जी जब समाधि में से बाहर आते हैं तब अकेलेपन से व्यथित अदिति जो है वो ऋषि को अपना जो दर्द है उनका वर्णन करती है। तब कश्यप ऋषि जो है उनको पयोव्रत का विधान कहते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत में स्कंद 8वां और अध्याय 16 में कहा गया है। उसमें फागुन शुक्ल पक्ष की एकम से लेके 12 तक का जो टाइम है उसमें त्रिकाण विष्णु का पूजन करना और मात्र दूध का आहार लेना, भूमि शयन करना और अनुष्ठान के हर एक नियम को अच्छी तरह से निभाना, ऐसा अदिति को व्रत करने का कहते हैं। यह व्रत करने से अदिति जो है उनको उनके वहां कपिल मुनि का जन्म होता है। कपिल मुनि जो है वो सांख्य शास्त्र के प्रणेता है। उसके बाद अदिति के वहां पे देवताओं के भी जन्म होते हैं। इस तरह से देवताओं की माता होने पर भी अदिति जो है वो अकेलेपन, कठोर तप का कष्ट उठाती है और व्यथित रहती है। इस वजह से अगर ये जगह पे द्वार है तो यहाँ पे रहने वाली स्त्रियां जो है उनको भी कोई ना कोई कष्ट जो है वो सहन करना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अब हम अर्वाचीन युग की बात करें तो आज की जो भी स्त्रियां है उनमें धैर्य, सहनशीलता और सहिष्णुता जो है उसका अभाव देखने को मिलता है, और साथ में ही कारकृति जो है उनकी उनके प्रति उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो बहुत ही अधिक होती है। साथ में ही भौतिक सुख के पाने का उनकी जो चाह है, उनका जो मोह है, उसमें ही वो रत रहते हैं। इसकी वजह से उनमें जो दूषण होते हैं, बाकी के दूषण जो है वो प्रवेश करते हैं, और इसकी वजह से घर की मुख्य स्त्री जो है वो यहाँ पे दुखित या व्यथित रहती है, ऐसा पूरा शास्त्र में बयां है। कहने का मतलब ये जो द्वार है 31 नंबर का, वैसे तो उनका जो मतलब है वो लक्ष्मी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम गौर करें और शास्त्र को लेके चले तो शास्त्र का कहना है कि यहाँ पे रहने वाली जो स्त्रियाँ है वो व्यथित रहेगी, अकेलापन जो है या कोई भी दुख उनके साथ चलेगा, ऐसा शास्त्र का मानना है। लेकिन एक बात तय है कि ये जो पद है वो नॉर्थ ईस्ट का है, 1 से 3 और 31 से ये जो पूरे 1 तक का, ये 31, 32, 1, 2, 3 ये पूरे जो पद है
वो ईशान कोने में यानी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। तो 31 नंबर 31 नंबर जो है वो ईशान का ही द्वार है, तो उसका फल जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन कौन सी बाबतों में, तो ये जो है एजुकेशन, संतान या लक्ष्मी की, पैसे, समृद्धि, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये एक जो नकारात्मक बाबत है वो भी इस द्वार के साथ जुड़ी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर आपका द्वार जो है मुख्य द्वार आपका ये पद में है अदिति के, और आप जो है वो यहाँ पे जो वर्णन किया गया उस तरह के कोई भी प्रश्न यहाँ पे रहने वाली स्त्रियाँ अगर भोग रही है, तो या फिर अगर यहाँ पे कोई भी दोष है, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है वो वाटर एलिमेंट जल तत्व में आएगा, अगर यहाँ पे फायर एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ज्यादा है, या कोई कलर ऐसा यूज किया गया है जो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, या कोई यहाँ पे वेट क्रिएट किया गया है, या यहाँ पे कोई स्टेर है, तो ये सब जो चीजें हैं वो वास्तुदोष यहाँ पे बनाएगी। तो अगर यहाँ पे मुख्य द्वार है या फिर कोई भी वास्तु दोष है, तो उसके लिए जो उपाय शास्त्र में दिया गया है वो है, अदिति जो है यहाँ पे उनका जो नैवेद्य शास्त्र में बताया गया है वो है लापसी, जिसको लेई भी कहते हैं, लपटा भी कहते हैं, और आटे का पतला हलवा भी कहते हैं। यानी जो गेहूं का आटा होता है उसको उबालने के बाद उसमें चीनी और गाय का घी ये डालने के बाद एक जो रेसिपी तैयार होती है उसको लापसी या ले या लपटा कहते हैं। ये आपको गुरुवार की सुबह ये जगह पे रख देना है, और शाम को सूर्यास्त के बाद ये जो पूरा नैवेद्य है वो आपको या तो जल प्रवाह करना है, या फिर आप उसको कोई पवित्र जगह पे रख के आ सकते हैं, कोई पवित्र पेड़ की जड़ में रख के आ सकते हैं, या फिर उससे आप चींटियों को खाना खिला सकते हैं, या कुत्ते को भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ये नैवेद्य को इस तरह से आपको विसर्जित करना होगा। तो ये उपाय करने से यहाँ पे जो भी दोष है वो दोष की नकारात्मक असर जो है, इफेक्ट जो है वो कम होगी, और साथ में ही ये जो कॉर्नर है, ये जो कोना है, उसकी पॉजिटिव इफेक्ट जो है, ईशान कोने की पॉजिटिव इफेक्ट जो है आप ले सकोगे। अगर आप जिस मकान में रह रहे हैं वहां पे आपको लगता है कि कोई ना कोई परेशानियां जो है आपके साथ ही चल रही है, कोई दिक्कतें आ रही है हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, सेविंग्स को लेके, सोर्स ऑफ इनकम को लेके, चिल्ड्रन को लेके, उनके एजुकेशन को लेके, जॉब को लेके, या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, तो देखिए अपॉर्चुनिटी को लेके, भाग्यों को लेके, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारा संपर्क ले सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर जो है 0971218080, या फिर आप आपके जो प्रश्न है वो हमें मेल कर सकते हैं info@astroalchemist.com पे। अगर आप आपका भविष्य जानना चाहते हैं 2017 आपके लिए कैसा रहेगा, या आने वाले जो भी टाइम है कैसा रहेगा, आप अगर डिटेल में आपके हॉरोस्कोप की एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे रजा दीजिए, आशा रखता हूँ ये जो वीडियो है आपको आपके ज्ञान को 100% कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा, साथ में ही आप खुद ये उपाय करें। अगर ये दोष है आपके वहाँ पे, या इस तरह का द्वार है, या कहीं पे भी आपको लगता है कि किसी और के वहाँ पे आपके फैमिली में, फ्रेंड में, कहीं पे भी अगर कोई ये पद में दोष है, तो आप ये उपाय जो है उनको बताइएगा, क्योंकि उसका जो पुण्य है वो भी आपको मिलेगा। तो आशा रखता हूँ कुछ नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा, और आप अच्छा ज्ञान पाते रहे। धन्यवाद।